2024 से पहले इसी साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी भी तेज कर दी है। इस बीच एक खबर ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूराव चिंचनसूर के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। माना जाता है कि चिंचनसूर 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हार में अहम भूमिका निभाने वाले नेताओं में से एक थे। कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में कोली कबालिगा समुदाय के प्रमुख नेता चिंचनसूर ने 20 मार्च यानी सोमवार को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने 2008 से 2018 तक कलबुर्गी जिले में गुरगुमितकल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और इससे पहले सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में मंत्री भी थे। हालांकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने 2018 में कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी सदस्य के रूप में उन्हें उन प्रमुख नेताओं में से एक माना जाता है जिन्होंने गुलब गुर्गा यानी कि कलबुर्गी लोकसभा क्षेत्र में खड़गे को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार उमेश जाधव विजयी हुए थे। जाधव भी पहले कांग्रेस में थे और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। चिंचनसूर की बात करें तो कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक चिंचनसूर के आने वाले दिनों में पार्टी में शामिल होने की उम्मीद है। बता दें, इस महीने की शुरुआत में बीजेपी के एक और दूसरे विधान परिषद सदस्य यानी कि MLC पुतन्ना ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वही जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से इस बारे में प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कहा कि चिंचनसूर कांग्रेस से आए थे और उसी पार्टी में वापस जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की स्थिति गुरगुमितकल में मजबूत है और चिंचनसूर के पार्टी छोड़ने से वहां पार्टी की संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कर्नाटक में मई तक विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने चिंचनसूर के पार्टी बदलने के मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।